नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको पैनल पे रेक्सीन चढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका जो है वो है ये। जैसे कि मेरे पास जो है ये रेक्सीन का कपड़ा है, जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा भी है और काफ़ी अच्छा भी है। और ये रेक्सीन जो है लगभग मुझे 550 के करीब पड़ा है, जिससे क्या है कि इसको मैं दो तरीके से यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं अपनी गाड़ी के जो पैनल्स हैं इन पैनल्स के ऊपर चढ़ाऊँगा, जो कि मैं सारे पैनल्स मैंने खोल लिए थे पहले ही। ये चीज़ मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक पैनल नहीं खोल पाया हूँ, लेकिन इन सभी पैनल्स के ऊपर जो है मैं इस रेक्सीन को चढ़ाऊँगा। और फिर बाद में अगर उसके जो डोर नॉब्स हैं, जो हैंडल है या फिर डोर लीवर है, अगर इनमें से अगर कोई भी इस वाइट के साथ मैच नहीं करता है तो या मैं उसको वाइट कलर में कर दूंगा या फिर उसको ब्लैक कलर में पेंट कर दूंगा, जिससे कि ब्लैक एंड वाइट का एक कॉम्बिनेशन हो, जिससे कि वो सूट करे। नहीं तो उसको कम्प्लीटली वाइट कर दूंगा, अंदर के इंटीरियर सब कम्प्लीटली वाइट कर दूंगा। फिर बाद में जो है सीट कवर पर देखेंगे कुछ कर सकते हैं या नहीं, वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो है रेक्सीन को कैसे नापना है, कैसे रख के उसको सेट करना है, कैसे काटना है, वो आज मैं आपको देखूँगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये रेक्सीन मैं अब चेंज करने वाला हूँ। इसका कलर सोच रहा हूँ ब्लैक कर दूँ, ये जितने भी ट्रिम प्लेसेस हैं इनको ब्लैक कर दूँ। मैटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी है ये और ख़राब भी हो चुकी है और डिसकलर भी है, तो इसके लिए भी मेरे पास वाइट कलर का रेक्सीन है, मैं वो अभी दिखा दूँगा। और टोटल 7 पैनल हैं इसमें, पहले इन पैनल्स में से चेंज करूंगा, फिर इसको हटा दूंगा इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं अभी सिर्फ जो 7 पैनल है गाड़ी के वो निकाल कर इसके ऊपर रेक्सीन चढ़ा दूंगा, ठीक है। इसको फटाफट मैं निकाल लेता हूँ। 2 स्क्रू यहाँ हैं, 1 यहाँ और इसकी एक क्लिप है। इतने में ये सारे पैनल जो हैं बाहर आ जाएंगे, पिछले पैनल भी इसी तरह से जो बाहर आ जाएंगे। और फिर डैशबोर्ड आप देख सकते हो काफ़ी पुराने ज़माने का है, तो ये भी ख़राब है, इसको भी थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है। इसको रिपेयर करके इसको भी कलर जो है हम करेंगे बाद में। तो सबसे पहले इसका काम हम निपटा लेते हैं रेक्सीन का, फिर देखते हैं इसका अंदर का लुक कैसा आता है, फिर उस हिसाब से हम इसको कलर या जो भी करना होगा हम करेंगे। तो मैंने सारे दरवाजे के पैनल खोल लिए हैं, चारों दरवाजों के पैनल निकाले, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे दोनों पीछे के दरवाजों के डिक्की के क्वार्टर पैनल का एक पैनल जो है अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि वहाँ पे स्क्रू है और स्क्रू जो है पूरी तरह से जाम हो चुका है और उसको इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस जो है वो मिस हो रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कितना बड़ा है असल में। वैसे मेरे पास 2 हैं, एक इंटीरियर्स के लिए और एक मैटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा। ये मैटिंग के लिए रखूँगा इसको किनारे, और एक जो है इसी से सारे पैनल। अगर इसमें से अगर भी कुछ बच जाता है, अगर इससे बचता है, तब मैं इसको जो है पिलर में यूज़ करूँगा, जिससे कि कम्प्लीटली रेक्सीन अंदर से लगी जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें मैं सबसे पहले Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
जिससे कि मैं बहुत सारे पिलर्स, जितने भी पिलर हैं साइड के, अपर साइड के, वो पिलर्स उस उतने में मैं कवर कर सकता हूँ। साइड में आप जितना भी देख रहे हैं सारे पिलर्स कवर हो जाएंगे। और ये जो रेक्सिन मेरे पास एक्स्ट्रा है, इससे पहले फ्लोर पे प्रॉपर अच्छे से बिछा के जो सोलेशन है मेरे पास, उससे सोलेशन से चिपकाते जाएंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छी फिनिश आएगी। और जो मारुति 800 में पुराने वाले जो प्लास्टिक पैनल नीचे लगे होते हैं तो काफ़ी गंदे लगते हैं, तो अगर रेक्सिन बचता है तो उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दूंगा। सबसे पहले जो है अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसकी कटिंग करने के बाद जो है हम इसके ऊपर इसको चढ़ाएंगे, और इसमें जो प्लास्टिक के ये देख रहे हैं ये पीसेस, इसमें से वो, फिर यहाँ पर जो इस सिगरेट के लिए दिया है, इन सभी चीज़ों को हम निकाल देंगे, जिससे कि एक अच्छी फिनिश मिलेगी। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये ओरिजिनल होने के कारण ये मुड़ गया है, ये ऑलमोस्ट काफ़ी पुराना होने के बावजूद ये मुड़ गया है। तो इसको अभी मैं वज़न रख के इसको दबा दूंगा, जिससे कि ये सीधा हो जाएगा, और फिर हम इसको धीरे धीरे चिपका देंगे। जैसे स्पीकर वाला पैनल आप देख लीजिए, वो भी मुड़ा हुआ है। बहुत सारे पैनल्स जो हैं, जितने भी ओरिजिनल पैनल्स हैं, वो सभी मुड़ चुके हैं, तो उनको सीधा करना है। और साथ ही साथ जो है सीन जो है गाड़ी का वाइट है, गाड़ी का कलर भी वाइट है, तो इंटीरियर जो है वो मैचिंग हो जाएगा, जिससे कि गाड़ी जो है अंदर से काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन सीट का कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डैशबोर्ड का कलर डिफरेंट होगा। तो पहले हम इसको लगा कर देखते हैं, अगर गाड़ी का जो लुक है अगर वो काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा पेंट ले के आऊँगा, जिससे पूरा डैशबोर्ड, जो बाकी चीज़ें बच रही हैं, उन सभी को पेंट कर दूंगा, जिससे कि सभी चीज़ें एक बराबर मैचिंग की हो जाएगी। या फिर रेक्सिन ले आके चिपका दूंगा, जिससे कि वो भी एक जैसा ही दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको फटाफट चिपका कर मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, कैसे नाप कर कटिंग करनी है पहले वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये हिस्सा हम पलट देंगे इसके पीछे वाले हिस्से से, इसके पीछे वाले हिस्से पे मार्किंग करेंगे, जिससे कि इस पे दाग नहीं होगा, आसानी से काटने में जो है बहुत आराम से ये रेक्सिन कट जाएगी, जिससे कि, और बचा के रेक्सिन काटना है कि इसमें से थोड़ा सा बच जाए, जिससे कि गाड़ी के जितने भी इंटीरियर पैनल्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले इसको पलट कर एक एक पैनल को रख के उसकी मार्किंग करके उसको काट लेते हैं। तो अब जितने भी पैनल्स हैं, मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये सिगरेट वाला निकाल दिया, सारे बटन निकाल दिए हैं। अब इसको जो है एक साफ कपड़े पर सैनिटाइज़र लगा के, इसमें क्योंकि अल्कोहल होता है तो ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, जितना भी धूल है इसको अच्छे से हम साफ़ कर देंगे सैनिटाइज़र से। और सैनिटाइज़र से साफ़ करने के बाद इस पर मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद जो है पैनल की मार्किंग करने के बाद अगर इस पर कितनी मोटी लेयर है वो देखेंगे, फिर लास्ट में हम इसके ऊपर इसको चिपका कर कुछ इस पर वज़नी जो है कुछ भी, जैसे मेरे पास अभी एक रिम पड़ा हुआ है कार का, वो रिम मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर रख दूँगा, और साइड से दम्बल या ईंटे जो हैं वो इस पर रख दूँगा, जिससे कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा आप देख रहे हैं ये टेढ़ा जो हो गया है ये सब सीधा हो जाएगा। सबसे पहले ये जितनी भी धूल है, डस्ट है, इसको साफ़ करके पहले इसकी हम मार्किंग करके उस पैनल को हम काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मार्किंग कर ली है मैंने, स्केल रख कर 1 इंच इसको फोल्ड करने के लिए, 1 इंच हर तरफ से है, जैसे देख सकते हैं ये पूरी मार्किंग जो है वहाँ से जाके से हो गई, जिससे ये फोल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह मैं फटाफट जो है सभी पैनल्स जो हैं कर लेता हूँ। वो जो स्पीकर वाला पैनल आप देख रहे हैं पीछे का, क्वार्टर पैनल का, इनर क्वार्टर पैनल का वो पैनल है अंदर, तो उसकी 2 चीज़ें काटूँगा, जिससे कि जैसे ही कल अगर मेरा वो जो पैनल नहीं निकला, अगर वो निकल जाता है तो, क्योंकि कटा रहेगा, तो सिर्फ मुझे चिपका कर उसे तुरंत ही मैं उसको कस दूंगा, जिससे कि वो इजीली फिक्स भी हो जाएगा, और जिससे कि क्या होगा कि मेरा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बचेगा। और मैं आज इसको कंप्लीट करता हूँ, और ये करने के बाद जो है सभी को चिपकाने के बाद सभी के बीच में एक एक पेपर रख दूँगा, और पेपर रखने के बाद इसके ऊपर कुछ चकोर सा जो इसको पूरा कवर कर ले, उसको रखने के बाद इस पैनल को दबा दूंगा,
जिससे कि ये पैनल जितने भी हैं रात भर में सीधे हो जाएंगे और सुबह जो है लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं इसको फटाफट एक पीस में काट के आपको दिखा दूंगा कि कैसे काटा और कैसे चिपकाना है। इसी सोल्यूशन से मैं उसको चिपका दूंगा और सारे पैनल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने तीन पैनल के जो हैं इसके काट लिए हैं, एक ये काटा है, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो इसको मैं चिपका दूंगा। अब सारे पैनल जो हैं, तीन पैनल और बचे हैं, टोटल छः पैनल के काटने हैं मुझे। छः पैनल के काट लेता हूँ जिससे कि मुझे ये अंदाज़ा मिल जाए कि कितना रेक्सिन मेरा जो है यहाँ बचेगा और कितना बचेगा और मुझे कितना और चाहिए होगा बाकी जितने भी मेरी गाड़ी में बेकार चीज़ें जो लग रही हैं इस वक्त, तो उन सभी को चीज़ों को सुधारने के लिए मुझे और कितना रेक्सिन लगेगा तो वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको जो है चिपका लेता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कई कई जगह जो है ना ये ओरिजिनल होने के कारण जो है टूट गए हैं, कुछ निकालते वक्त ही टूट गए थे और कुछ निकालने के पहले से ही टूटे हुए थे। तो इसको हम जो है सेलो टेप से चिपका देंगे और जब हम रेक्सिन लगाएंगे तो इस पर बहुत सारा रेक्स लगा देंगे, सोल्यूशन लगा देंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से जो है ये चिपक जाएगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट जितना भी डैमेज पैनल है पहले इसको अच्छे से साफ़ करके इसको चिपका लेते हैं सेलो टेप और सोल्यूशन दोनों से, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। तो रात में मैंने सारे पैनल्स जो है काट लिए थे, काटने के बाद चिपका दिए। चिपकाने के बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको छोड़ते ही क्या हो रहा था कि तुरंत साइड से वो छोड़ दे रहा था। तो उसको चिपकाने के लिए सेलो टेप भी, जैसे आप देख सकते हैं टेप से वो चिपकाया भी हुआ है। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और कुछ जो राउंड शेप में है, क्योंकि पुरानी गाड़ी में क्या होता था कि फिनिशिंग नहीं होती थी, तो वैसे इसके पैनल्स में भी फिनिशिंग नहीं है, ये प्रॉपर सेट नहीं होते हैं। अगर आप कस्टम पार्ट्स बनाते हैं तब वो फिटिंग वाले होते हैं, लेकिन ये जो कार्डबोर्ड पैनल्स हैं ये प्रॉपर फिटिंग के नहीं है। कई पैनल तो ऐसे हैं कि दरवाजे से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, कोई दरवाजे से थोड़ा छोटा है। जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो उस तरह की प्रॉब्लम जो है, कई बार क्या आता है कि जब आप दरवाज़ा बंद करते हैं तब तक तो पैनल ठीक है, जैसे गेट खोलते हैं पैनल वो बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या है कि पहले हम देखेंगे अगर ये प्रॉपर बैठता है तो ठीक है, वरना हम इसको स्क्रू से जो है साइड से पूरा अच्छे से कस देंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने टेप लगा रखा है चिपकाने के लिए, ये पूरी टेप लगा रखी है कि बार बार ये छोड़े ना। तो जब हम लगाएंगे तब हम इस टेप को निकाल कर वापस पैनल को अच्छे से लगा देंगे। पहले हम देखेंगे कि पैनल प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, और जो उसके ट्रिम पीसेस हैं यानी जो हैंडल वगैरह हैं, जो लॉक वॉक वगैरह है, जो शीशा का हैंडल है, वो पहले देखते हैं। अगर मैच करता है, अगर अच्छा लगता है तो उसको वही रखेंगे, वरना हम उसका भी कलर चेंज करेंगे। तो मैंने सारे पैनल कस दिए हैं, चारों दरवाज़ों के पैनल कस दिए हैं मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो सिलवटें हैं वो काफ़ी दिन से रखने की वजह से सिलवटें पड़ गई हैं और कुछ पैनल टेढ़े मेढ़े होने की वजह से, वो हम बाद में स्क्रू लगाकर जब टाइट करेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। और ये जो गियर लीवर के पास आप देख रहे हैं सेंटर में, इसको हम हटा देंगे, ये काफ़ी गंदा लग रहा है। और जब ये इसको हम हटाएंगे तो क्या है कि सेंटर उसके ना रहने की वजह से अंदर जो है काफ़ी अच्छी जगह बन जाती है। तो चारों पैनल मैंने मतलब लगभग सभी पैनल कस गए हैं, बस एक पैनल जो है वो अभी तक नहीं खुला है, तो वो अभी भी उसमें लगा हुआ है, क्योंकि उस पर जो सीट फोल्ड का लॉक है वो लॉक नहीं खुल रहा है, वो लॉक खुल जाएगा तो पैनल निकल जाएगा। तो सारे पैनल्स मैंने लगा दिए हैं और बस एक पैनल जो है उसका स्क्रू नहीं खुला है, स्क्रू जो है बिल्कुल ही जाम हो गया है। या तो वो छेनिया थोड़ी से खुलेगा या फिर उसको काट कर हटाना ही पड़ेगा मुझे। तो लगभग जो है छः पैनल, टोटल सात पैनल हैं, चारों दरवाजे हो गए हैं, क्वार्टर पैनल का एक पैनल हो चुका है, जो टेल गेट यानी डिक्की के जो दरवाजे होते हैं उनमें भी जो पैनल था वो भी लग चुका है। उसके अलावा भी मेरे पास अभी बहुत सारा रेक्सिन बचा हुआ है अभी भी है, तो कल जो है उसे खोल कर देखेंगे, अगर खुलता है तो ठीक है, वरना उस स्क्रू को काट कर हटा दूंगा वहाँ से, फिर वहाँ पर कुछ और लगा देंगे।
और वीडियो में आपने बहुत जगह देखा होगा कि पैनल जो है सिकुड़े हुए हैं या फिर थोड़ा सा रेक्सिन लूज है, तो उसके कारण ये है कि पैनल जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने हो गए हैं। पुराने होने की वजह से क्या है, वो मुड़ गए हैं। तो अब इसमें क्या है कि या तो मैं उसको डबल टेप या सोलेशन से चिपका दूँ दरवाजे के साथ, ये सही नहीं होगा। इससे क्या होगा कि अगर मुझे कभी खोलना पड़ा पैनल तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। तो जितनी भी जगह अगर वो उठा है तो मैं उसके किनारे किनारे जो है स्क्रू से उसको टाइट कर दूंगा, जिससे कि पैनल की फिटिंग अच्छी आ जाएगी और पैनल जो है अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा अच्छे से। और जो बाकी रेक्सीन मेरा बचा हुआ है उसको मैं पिलर्स में सारे पिलर्स यानी दरवाज़ों को, यानी पांचों दरवाज़ों को छोड़ के सब जगह रेक्सीन लगा दूंगा। फ्लोर पे भी लगा देंगे, कुछ उसमें से भी बच जाता है फ्लोर और पिलर्स में लगाने के बावजूद। तब लास्ट में जो है हम डैशबोर्ड करेंगे, डैशबोर्ड को भी रेक्सीन से कवर करेंगे। और डैशबोर्ड में जहाँ जहाँ भी जो भी टूटे फूटे एरिया है उसको हर एक चीज़ को अच्छे से रिपेयर कर देंगे, जिससे कि पता ना चले कि ये डैशबोर्ड रिपेयर्ड है। और इसका जो मीटर है, देखते हैं अगर कुछ आफ्टर मार्केट मिल जाता है। आफ्टर मार्केट में मीटर लगाने के चक्कर में हूँ, तो आफ्टर मार्केट अगर मुझे मीटर मिल जाता है तो मैं मीटर भी उसमें आफ्टर मार्केट डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।